नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। महक सक्सेसफुल आप यहाँ टेक्निकल अक्षर यूट्यूब चैनल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक पर क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्जिगो ट्रेन ऐप से ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजर्वेशन टिकट मतलब आप कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है और उसमें बताया हुआ था कि IRCTC ऐप से या फिर वेबसाइट से IRCTC की आप नॉर्मल ट्रेन टिकट और तत्काल ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं 100% कन्फर्म। वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई ये बताइए कि आप IRCTC के अलावा कोई और ऐप है जिससे मैं ट्रेन टिकट बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ऐप है जिससे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, इसके हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव अभी ट्रेन टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। चलिए बिना समय फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइव टिकट बुक करके दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक वीडियो को हमें लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दे, वीडियो लाइक कर दे थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो में मजा आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको IRCTC का एक्जिगो ट्रेन ऐप ये डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको पहला IRCTC ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद टू स्टेशन आप कहाँ जाना चाहते हैं कहाँ से वो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे, सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट सर्च सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ 15 जून। उसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है सिंपली। अब उस डेट में जितनी भी ट्रेनें होंगी उस रूट की, वो सारी उनके नाम यहाँ पे और नंबर यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं सिंपली उसके ऊपर आना है और वहाँ पे आपको जिस भी क्लास कैटेगरी में टिकट बुक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। उसके सामने आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने टिकट इसमें अवेलेबल हैं उस डेट में, उसका किराया कितना है। अब बुक करने के लिए सिंपली बुक पर क्लिक करना है, इसके सामने बुक का बटन मिलेगा। अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज आएगा और यहाँ पे ऐड ट्रेवलर्स पर क्लिक करना है। ट्रेवलर का डिटेल डालना है, जो भी ट्रेवल करना चाहता है उसका पैसेंजर का यहाँ पे नाम और एज, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी होगा वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो मेरा अंत तक पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे समझ में नहीं आएगा फिर आप कहेंगे जो बोला था, तो आप पूरा एक बार वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे हमने एज डाल दिया और सारा कुछ डिटेल डाल दिया, बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पैसेंजर डिटेल ऐड हो चुका है एक, अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर हैं तो दोबारा ऐड ट्रेवलर पर क्लिक करना है और उसी तरह से यहाँ पर जैसे नाम एज जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर नो रखेंगे, उसके बाद इंडिया यहाँ पर सर्च करेंगे नेशनलिटी और उसके बाद में यहाँ पर हम जो है ऐड ट्रेवलर पर क्लिक कर देंगे, सिंपली ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पैसेंजर डिटेल हमारी ऐड हो चुकी हैं एक साथ। अगर दो टिकट बुक करना चाहते हैं तो दो ऐड करेंगे, तीन करना चाहते हैं तीन करेंगे, एक करना चाहते हैं एक करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई सुधार करना है एडिट करना है तो सिंपली आप पेन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एडिट कर लेंगे डिटेल, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ एक, अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नाम मिस स्पेलिंग हो गया तो यहाँ पर मैं सही कर लेता हूँ इसको। कुछ इस तरह से आप पैसेंजर डिटेल एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डिटेल हमारी ऐड हो चुकी है पैसेंजर की। अब यहाँ पे सिंपली आगे पढ़ने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना है, जो नीचे बटन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा पेज कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे IRCTC का यूजर आईडी आपको डालना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए IRCTC का यूजर आईडी होना चाहिए, चाहे आप जिस भी एप्लीकेशन से बुक करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना IRCTC का यूजर आईडी डाल के सिंपली सेव कर देता हूँ। उसके बाद नीचे थोड़ा आते हैं और यहाँ पे आप इंश्योरेंस आपको मिलता है 49 पैसे में, तो इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं टिक कर देंगे, अगर नहीं लेना चाहते नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ डालना ज़रूरी होता है। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल के हम आगे आएंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे एरिया का और उसके बाद सिटी वगैरह अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे अपना, पिन डालने के बाद में पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सारा कुछ सही है। उसके बाद प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे करते ही दूसरा पेज खुल के आता है कुछ इस तरह से। अब दूसरा पेज आता है, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट किस तरह आप करना चाहते हैं, भीम UPI से करना चाहते हैं या फिर कार्ड से करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे भीम UPI सेलेक्ट करता हूँ, UPI से पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं UPI आईडी डाल के प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। उसके बाद एक दूसरा पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर लोडिंग में समय ले रहा है थोड़ा सा,
यहाँ पे आपको बता दूँ बैक बटन नहीं दबाना है, अगर बैक बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट कट जाएगा और टिकट नहीं बुक होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी UPI पे रिक्वेस्ट चली गई है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना UPI जो है ओपन कर लेना है, उसमें जाके आपको जो है नोटिफिकेशन आया होगा वहाँ पे पे कर देना है, अपना जो है UPI का पिन वगैरह डाल के पे कर देना है। पे करते ही ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं समय चल रहा है, तो ये पेमेंट हमारा हो चुका है और ये अपने आप बैक हो रहा है, बैक बटन यहाँ नहीं दबाना है, ये अपने आप खुद से बैक हो जाएगा जैसे ही पेमेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हमारा हो चुका है और ये अभी टिकट हमारा बुक हो चुका है, थोड़ा लोड हो रहा है इसमें समय लगेगा। तो आप यहाँ पे बैक बटन नहीं हुए, कई लोग क्या करते हैं बैक बटन दबा देते हैं फिर कहते हैं हमारा भाई पेमेंट कट गया और टिकट नहीं बुक हुआ, तो ये दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है अपना IRCTC का जो है पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। यहाँ पर मैं कैप्चा पासवर्ड डाल के सबमिट कर देता हूँ फाइनली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारा कुछ डाल दिया जैसे कैप्चा लिखा है सेम उसी तरह डालना, आपको समझ नहीं आता तो रिफ्रेश कर लेना और सबमिट करते हैं। यहाँ देखिए बुक हो चुका है कन्फर्म टिकट, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टिकट जो है दोनों कन्फर्म बुक हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं S4 22 और 24 नंबर सीट और इसके सामने कन्फर्मेंट लिखा हुआ है। इस टिकट को अगर आप इसे नोट नाउ करते हैं रेटिंग देने के बोल रहे हैं, अगर इस टिकट को आप शेयर करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड ई टिकट का ऑप्शन नीचे मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके ई टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हैं या किसी को व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिकट को डाउनलोड करता हूँ और यहाँ पर अलाउ करता हूँ, उसके बाद ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। टिकट ई टिकट अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF फॉर्मेट हमारा डाउनलोड हो चुका है पूरा टिकट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट करना चाहें तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अगर किसी को शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो एप्लीकेशन से वो ट्रेन से जो है ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो देता है, थैंक यू।